नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम असिस्टेंट प्रोफेसर के विषय के बारे में बात करेंगे। इनकी नियुक्ति कहाँ होती है व कैसे, साथ ही इनके पाठ्यक्रम वेतन के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मेरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ कहाँ नियुक्ति की जाती है और कैसे की जाती है। तो इनकी नियुक्ति राजकीय महाविद्यालय जहाँ पर UPPSC के द्वारा कराई जाती है। दूसरी इनकी नियुक्ति मैनेजमेंट जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, इनका चयन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जाता है। और तीसरा इनका विश्वविद्यालय रिक्रूटमेंट। इनकी योग्यता अगर आप नेट किए हैं, स्लिट किए हैं, PG 55% या PhD हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अर्हता रखते हैं। PhD वालों के लिए नेट अनिवार्य नहीं है, इनको अपना डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है। इसकी जो आयु सीमा है वो 62 वर्ष होती है। योग्यता में जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो रेगुलेशन एक्ट 2018 लागू होने वाला है, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा, उसमें इसकी योग्यता में बदलाव हो जाएंगे। इनकी योग्यता में PG, MPhil और PhD हो जाएगा, नेट और बाकी जो योग्यताएं हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको PG, MPhil और PhD होना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं इनके वेतन की। तो इनका वेतन होता है, इनका ग्रेड पे होता है 6,000, बेसिक पे होता है 57,700 और इनका HRA होता है 6,000। यानी कुल मिलाकर पूरा एनालिसिस अगर करेंगे आप तो सब मिलाकर इनका कम 68,000 रुपये प्रथम सैलरी होती है, जो एक IAS ऑफिसर से अधिक होती है, क्योंकि IAS ऑफिसर का ग्रेड पे 5,400 ही होता है। लेकिन IAS ऑफिसर प्रशासनिक सेवा में इनसे उच्च का होता है, इनसे प्रशासनिक सेवा में बड़ा होता है। आइए पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम यहाँ पर 2 प्रकार का है। अगर राजकीय विद्यालय के वैकेंसी निकलती है तो उसका पाठ्यक्रम अलग है, लेकिन जो 3900 वैकेंसी इसमें रिक्त हैं, जो मैनेजमेंट कॉलेज में जो वैकेंसी आई है उसका पाठ्यक्रम है। जनरल पेपर है, 30 क्वेश्चन होते हैं जो सबके लिए अनिवार्य है, जिसमें नंबर होते हैं 60 नंबरों का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और सब्जेक्ट से आते हैं 70 क्वेश्चन जो 140 नंबर के होते हैं। और कॉमर्स में इसमें 50 सब्जेक्ट होते हैं और 20 इलेक्टिव यूनिट के होते हैं। तो कुल मिला के इसके में भी 70 क्वेश्चन होते हैं और 140 नंबर के होते हैं। साथ में आपका इंटरव्यू होता है 30 नंबर का। तो टोटल 230 क्वेश्चन होते हैं जो आपको इस परीक्षा में देना पड़ता है। साथ में राजकीय में रिटेन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।